नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। एनएचएआई ने टोल वसूली को 100% कैशलेस बनाने के लिए फास्टैग को किया फ्री। 1 मार्च तक फ्री में मिलेगा फास्टैग। और पासपोर्ट बनवाने के लिए अब ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं जरूरी। शुरू हो गई है डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म की सुविधा। डिजिटल इंडिया में पासपोर्ट बनाना अब और आसान हो गया है। विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के लिए शुक्रवार को डिजी लॉकर मंच का उद्घाटन किया है। इस सुविधा के शुरू होने से पासपोर्ट बनवाने वालों को आवेदन के समय सारी मूल कागजात दिखाने की जरूरत नहीं होगी। डिजी लॉकर प्रोग्राम के जरिए पूरी प्रक्रिया को और आसान कर दिया गया है। इस कार्यक्रम में बोलते हुए विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम देश में पासपोर्ट सेवाओं के वितरण की दिशा में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में इस क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। आवेदनों की मासिक जमा ने 2017 में पहली बार 10 लाख का आंकड़ा पार किया है। मुझे बताया गया है कि पासपोर्ट सेवा परियोजना के माध्यम से 7 करोड़ से अधिक पासपोर्ट जारी किए गए हैं। मुरलीधरन ने कहा कि हमने नागरिकों के लिए सेवा वितरण के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। न केवल पासपोर्ट नियमों को सरल बनाने का काम किया गया है, बल्कि हमने नागरिकों के घर तक पासपोर्ट सेवा ले जाने का काम किया है। प्रधान डाकघरों में पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू करना इस दिशा में एक कदम था। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप 426 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र चालू हो चुके हैं और कई और जल्द शुरू हो जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के टोल टैक्स कलेक्शन सेंटर को कैशलेस बनाने के लिए कमर कस ली है। इसके लिए एनएचएआई ने फास्टैग के इस्तेमाल को जरूरी बना दिया है। लोग जल्द से जल्द फास्टैग का इस्तेमाल करने लगे, इसके लिए एनएचएआई ने फास्टैग को ही मुफ्त में देने का ऐलान कर दिया है। एनएचएआई की कोशिश है कि अगले कुछ दिनों में टोल टैक्स की वसूली पूरी तरह से कैशलेस हो जाए। एनएचएआई की कोशिश है कि अगले कुछ दिनों में टोल टैक्स की वसूली पूरी तरह से कैशलेस हो जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कहा है कि वो 1 मार्च तक फ्री में फास्टैग देगी। अभी इसके लिए 100 रुपए का चार्ज लगता था, लेकिन 1 मार्च तक ये पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया गया है, ताकि जो बचे लोग हैं वो भी जल्द से जल्द फास्टैग खरीदे। फास्टैग को रिचार्ज करने के लिए एनएचएआई ने देश भर में 40,000 से ज्यादा बूथ बनाए हैं। इसके अलावा इसे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी रिचार्ज किया जा सकता है। बिटकॉइन पर दाव लगाने वाले निवेशकों के अच्छे दिन चल रहे हैं। बिटकॉइन की कीमत लगातार आसमान छू रही है। बिटकॉइन की वैल्यू $50,000 पार कर चुकी है। सुबह 9:50 पर यह $55,752 प्रति कॉइन के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। पिछले 24 घंटे में इसमें 8.24% से ज्यादा की तेजी आई है। $56,563.72 अभी तक का सर्वोच्च स्तर है। मार्केट कैप के आधार पर इस क्रिप्टो करेंसी ने एक और रिकॉर्ड बनाया है। पहली बार इसका मार्केट कैप $1.04 लाख करोड़ या $1.04 ट्रिलियन पर पहुंच गया है। बिटकॉइन ने एक सप्ताह में 14% का गेन किया है। रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक केवल फरवरी महीने में इसकी कीमत में 70% की तेजी आई है। जैसे जैसे इसकी कीमत में उछाल आ रहा है, इसकी स्वीकार्यता और चरण को लेकर चर्चा बढ़ गई है। कुछ लोग इसके समर्थन में है, जबकि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जो इसका विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि यह कोई कंपनी नहीं है जिसका मार्केट कैप निकाला जा सके। कीमत में इस तरह की तेजी की ट्रेंड को लेकर एक्सपर्ट का कहना है कि बड़ी बड़ी कंपनी की तरफ से इसकी स्वीकार्यता बढ़ी है, जिसके कारण कीमत में उछाल आ रही है। बहुमूल्य धातुओं की वैश्विक कीमतों में गिरावट आने के बाद बीते हफ्ते बुलियन मार्केट में सोने के भाव जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। वहीं चांदी मामूली बढ़त बनाने में कामयाबी रही। इस दौरान पिछले 5 दिनों में सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव करीब 1,285 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया, जबकि चांदी महज 37 रुपए प्रति किलो चढ़ी। फरवरी में जनवरी के मुकाबले सोने के रेट में 3,292 रुपए की गिरावट आई है, जबकि इस अवधि में चांदी 1,312 रुपए सस्ती हुई है। अगर सोने के ऑल टाइम हाई रेट से तुलना करें तो गोल्ड अभी भी 10,153 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता है। वहीं चांदी पिछले साल के अपने उच्चतम मूल्य से 7,594 रुपए प्रति किलो तक सस्ती हो चुकी है।
इंडियन बुलियन एसोसिएशन की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 29 जनवरी 2021 को चांदी 69,726 रुपए प्रति किलो के रेट से बिकी थी, वहीं 19 फरवरी 2021 को यह 68,414 रुपए पर आ गई है। जहां तक सोने की बात करें तो 24 कैरेट गोल्ड 29 जनवरी को 49,392 रुपए प्रति 10 ग्राम की रेट से बंद हुआ था, जबकि 19 फरवरी को यह 46,101 रुपए पर आ गया। वैश्विक स्तर से मिले मिश्रित संकेतों के कारण आज घरेलू वायदा बाजार में सोने भी जहां नरमी रही, वहीं चांदी में तेजी दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना हाजिर 0.22% गिरकर $1,772 प्रति और अमेरिकी सोना वायदा 0.21% उतरकर $1,769.70 प्रति और बुना गया है। इस दौरान चांदी हाजिर 0.03% बढ़कर $27.02 प्रति औंस बोली गई है। घरेलू वायदा बाजार MCX में सोना 0.15% टूट कर 46,058 रुपए प्रति 10 ग्राम और सोना मिली 0.19% उतर कर 45,960 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। इस दौरान चांदी 0.33% बढ़कर 80,723 रुपए प्रति किलो और चांदी मिली 0.21% उठकर 68,641 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। PFRDA यानी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर डाटा जारी किया है। PFRDA की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़ने वालों की संख्या में 22% की बढ़ोतरी हुई है। केवल एक साल में इन योजनाओं में 70 लाख नए लोग जुड़े हैं, जबकि इसकी कुल सब्सक्राइबर्स की संख्या 4.05 करोड़ से ज्यादा हो गई है। एक साल पहले इसी अवधि में दोनों योजनाओं से जुड़े सब्सक्राइबर की संख्या 3.33 करोड़ थी। इसके अलावा पेंशन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी PEOM में भी 36% की ग्रोथ दर्ज की गई है, जिसमें अटल पेंशन योजना के तहत अंशधारकों की संख्या जनवरी 2021 में 31.17% बढ़कर 2.65 करोड़ पहुंच गई है, जो एक साल पहले इस दौरान 2.02 करोड़ की करीब थी। नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी की संख्या में 3.74% की ग्रोथ दर्ज की गई है। वहीं राज्य सरकार के कर्मचारी की बात करें तो यहां भी 7.44% की तेजी देखी गई है। सबसे ज्यादा ग्रोथ कॉर्पोरेट सेक्टर में की गई है। यह ग्रोथ का प्रतिशत 17.91% पार बढ़कर 10.90 लाख पहुंच चुकी है। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। NHAI ने टोल वसूली को 100% कैशलेस बनाने के लिए फास्टैग को किया फ्री, 1 मार्च तक फ्री में मिलेगा फास्टैग। और पासपोर्ट बनवाने के लिए अब ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं जरूरी, शुरू हो गई है डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म की सुविधा। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही, ऐसे ही अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN News। नमस्कार।